यूरोपीय देशों समेत पश्चिमी देशों की नाक में दम करने वाले देश रूस ने इन देशों को पिछले कुछ महीनों में ऐसी जगह दिखाई कि अब हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उसके पास दुनिया को नचाने का दम रखने वाली एक खास चीज है, और वो है तेल और गैस। जी हाँ, तेल और गैस ही ऐसी चीजें हैं जिसके दम पर रूस पश्चिमी देशों को बार बार पटखनी दे रहा है, और अब ये ताकत और बढ़ने वाली है क्योंकि रूस को एक विशाल तेल भंडार मिल गया है। दरअसल रूस की प्रमुख रिफाइनरी रोसनेफ्ट ने पिकोरा सागर में एक विशाल तेल भंडार खोजने का दावा किया है। रोसनेफ्ट ने अपने ऐलान में बताया कि भंडार में 82 मिलियन टन तेल होने का अनुमान है। इस तेल भंडार की वजह से भारत के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। भारत का रूसी तेल संपत्तियों में बड़ा निवेश है। पिछले कुछ महीनों में भारत रूस से तेल का आयात करने वाला प्रमुख देश बनकर उभरा है। अब क्योंकि भारत उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से रूस से तेल और गैस के आयात के लिए उत्सुक है, और रोसनेफ्ट ने इस साल मई में बाल्टिक बंदरगाहों से 7 लाख टन तेल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को बेचा है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इसका फायदा भारत को भी मिलने वाला है। रोसनेफ्ट के अनुसार एक ड्रिलिंग अभियान की वजह से मेडिन्स्को वर्डेंसी की क्षेत्र में तेल के इस भंडार को खोजा गया है। टेस्ट के दौरान पता चला कि यहाँ एक दिन में 220 क्यूबिक मीटर की अधिकतम प्रवाह दर के साथ तेल का एक फ्री फ्लो मिला है। भारत एक छोटे समुद्री मार्ग से कमर्शियल फायदे का इस्तेमाल करने और आर्कटिक तेल गैस को अपनी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है। वहीं भारत की आर्कटिक भागीदारी इंस्टेक के आर्कटिक संसाधनों को भारत तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इंस्टेक अपने आप में भारत के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि ये चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प प्रदान करता है। इंस्टेक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसके माध्यम से भारत रूस से व्यापार करता है। इंस्टेक को भारत को रूस से जोड़ने वाले सबसे छोटे व्यापार रूट के रूप में देखा जाता है। ये रूट 7,200 किलोमीटर लंबा है। ये कॉरिडोर सेंट्रल एशिया और भारत के बीच व्यापार के खर्च को पारंपरिक रूट की तुलना में कम से कम 30% तक सस्ता कर देता है। भारत और रूस के संबंध दशकों बेहतर रहे। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल के बाद से भारत ने रूस से 50 गुना ज्यादा कच्चा तेल खरीदा। अब भारत के टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी 10% पर पहुंच गई है, जो अपने आप में दोनों देशों के बीच के मजबूत होते रिश्तों को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।